साउथ इंडियन जो खाना है आपको यहाँ पे आप फ्यूल भरा सकते हो। Okay, so this is Meritus Piccadil, and they gave us an upgrade. They're so sweet, they gave us an upgrade to a better room without any extra cost. So that's amazing. Cool is the room. Hi guys, मैं इस वक्त लोनावला में हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने, और मैं आपको ऐसी पांच चीज़ें बताना चाहती हूँ जो लोनावला आके आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक्चुअली वेदर इतना अच्छा है ना लोनावला का, इट्स कूल, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है कि आप चल नहीं पाओ, एंड इट्स नॉट हॉट कि यू नो गर्मी में इंसान न बोलता है कि नहीं यार अब कौन चलेगा। अगली चीज़ जो आपको करनी ही चाहिए अगर आप लोनावला में हो वो है दूसरी चीज़ जो आपको लोनावला में करनी ही चाहिए वो है पावना लेक को विजिट करना। इवन द रोड टू पावना आल्सो बहुत ही सीनिक रोड है, थोड़ा सा चढ़ाव है, और ये लोनावला से 55 मिनट्स की दूरी पर है पावना लेक जहाँ आप जा रहे हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट डूज व्हेन यू कम टू लोनावला। यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं। ये आप देखिए, दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, ये पहाड़ों के बीच में से बनाया गया है। इट्स योर फील ऑफ एन एडवेंचर एक्चुअली। आप देख सकते हो यहाँ से ही पावना डैम का व्यू आ गया है, पावना लेक का। आज हमें यहाँ पे कुछ लोकल खाना है, तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो और अगर आप लोनावला आए हो तो वड़ा पाव नहीं खाया महाराष्ट्र का तो फिर क्या खाया। और कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर, ज़रा देखिए। यहाँ पे आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि मिसल पाव है और पोहा है। मिसल पाव, पोहा और वड़ा पाव जो होता है वो महाराष्ट्र का बहुत ही स्पेशल डिशेस होते हैं। ये
ब्लॉग खास करके उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं और जो महाराष्ट्र पहली बार आ रहे हैं या आ चुके हैं लेकिन लोनावला कभी नहीं आए। दिस इज सो क्यूट। ये है मिसल, अगर एक्स्ट्रा मिसल का ये चाहिए करी तो दिस इज द मिसल एंड दिस इज द मिसल पाव एंड ये है वड़ा पाव। ये महाराष्ट्र का बहुत ही स्पेशल डिश होता है। इट्स लाइक यू कैन कॉल जंक फूड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट इट्स यमी एंड टेस्टी और इट इज़ सो हॉट। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। जैसे कोलकाता में मैंने जौल मुरी खाया था, जौल मुरी इज रियली हॉट। ये कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्दी है वड़ा पाव और मिसल पाव से। बाय द वे मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, सब ऐसा मत सोचो मैं ये पूरा खा रही हूँ। ओके सुपर। आहा, वड़ा पाव, मिसल पाव, पोहा और ये नजारे बाहर के। और क्या चाहिए लाइफ में, हाँ, एक हॉलिडे में। एक्चुअली लेज़ली ने सारा खा लिया। ओके अब ये सब भी लेज़ली ही खाने वाले हैं, राइट? एक बात हमेशा याद रखना, जब आप महाराष्ट्र के किसी भी बेल्ट में आते हो थोड़ा बहुत मराठी सीख लेना, राइट? किधर जाना है ये सब थोड़ा बहुत समझ में भी आना चाहिए। सो बिफोर यू विजिट महाराष्ट्र और लोनावला और समवेयर, थोड़ा बहुत ब्रश अप कर लो ऑनलाइन। मुझे तो आता ही है क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, बट इट नेवर हर्ट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, राइट? आपका नाम क्या है? सुनील। आपका दादा? आपका भी सुनील? सुमित एंड सुनील। इन्होंने बनाया है मिलकर और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट। कौन आया है? एक दोस्त आया है, मैं उसको भी पाव खिलाऊंगी। मम्मी मम्मी यार इसको कैसे नहीं हो रहा मेरे से, वड़ा भी खिलाओ। नहीं नहीं अब पेट पूजा हो गया, अब बाकी दूजा। अब जा रहे हैं हम लोग पावना की ओर, पावना लेक की ओर, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स है। सोचो हमने इतना कुछ खाया और बिल आया है 280। यही फ़ायदा है ऐसे लोकल जगह आने का। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना ज़रूरी है कि हाइजीन है। यहाँ का टॉयलेट भी बहुत साफ था, सो इट वॉज़ रियली गुड एंड वर्थ कमिंग हियर एंड वैल्यू फॉर मनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक। ये इतना बड़ा लेक है, मुझे तो ये समुद्र लगता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बिग सी। यहाँ से आई थिंक बहुत सारा पानी भी जाता है, देयर इज अ डैम एंड ऑल, और बहुत सारा पानी इरिगेशन के लिए एज वेल एज फॉर द सिटी ऑफ लोनावला एंड आई डोंट नो कहाँ कहाँ पानी सप्लाई होता होगा। एक और चीज़ जो कर सकते हो लोनावला में है वो है कैंपिंग, ऑल डे कैंपिंग, डे एंड नाइट कैंपिंग। मैंने एक बार कैंप किया था एंड इट वाज रियली रियली फन। सी यहाँ पे लिखा भी है समाधान पावना लेक कैंपिंग। वाह। सो
दिस इज लोहागढ़ बोट क्लब एंड रेस्टोरेंट. अगर आप ये साइड आ रहे हो तो आप वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू हियर इज स्पीड बोटिंग इन द वाटर, जो मैं करने वाली हूँ. तो ये यहीं पर होता है लोहागढ़ बोट क्लब में, और भी बहुत सारी जगह होंगी बट आई कम हियर. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू आर अराउंड इन लोनावला और मुंबई. सो लेट्स गो. एक्चुअली हमें पता नहीं था कि यहाँ पर भी पार्किंग है, काफ़ी पार्किंग है नीचे की तरफ भी. हमने गाड़ी ऊपर पार्क कर दी. वैसे यहाँ नीचे आकर भी पार्क किया जा सकता है. सनसेट का भी मजा मिल जाएगी. बिहाइंड द माउंटेन्स, वाओ. एक और चीज जो आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं वो है हॉर्स राइडिंग. यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है. थोड़ा आगे जाओगे तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं जो आज हम कवर नहीं कर रहे. ओके, फैंटास्टिक. एक हॉर्स राइड क्या कर लिया. इनको लगता है कि ये वेस्टर्न मूवी के हीरो बन गए. ये देखिए. ये तीनों मिलकर तुंगी फोर्ट है जहाँ पे सनसेट हो रहा है. वो जो पीछे फोर्ट दिख रहा है ना, उसको कहते हैं टिकोना फोर्ट. आज हमारे पास समय नहीं था इस ट्रिप में वहां जाने का. नेक्स्ट टाइम वहां जरूर जाएंगे क्योंकि वहां पे होता है रैपलिंग, देन केकिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़. और वहाँ पर टेंट भी है. वो सारे लाइट्स जो दिख रहे हैं वो सारे टेंट्स लगे हुए हैं. और वहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होता है दूसरी तरफ. सो आई वांट टू ट्राई द पैराग्लाइडिंग नेक्स्ट टाइम पावना ट्रिप में. यहाँ से इस बोट क्लब से कम 12 या 15 किलोमीटर आगे. हाँ, और ये बच्चे हैं यहाँ पे. ये पैसे नहीं मांग रहे हैं. दे वॉन्ट टू सेल देयर बैलून्स और इन्हें चाहिए कपड़ी. सो वी आर गोइंग टू टेक देम फॉर सम क्लोथ्स.
तो हम लोग क्लोथ्स की दुकान में जाके इनके लिए कपड़े लेने वाले हैं। लेट्स सी कौन सा दुकान है। वैसे अगर लोनावला में हमने चिक्की और स्ट्रॉबेरी स्क्वॉश या जैम वैम और हनी नहीं खरीदा तो फिर क्या खरीदा। सो यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं, हर नुक्कड़ पे एक चिक्की। मगनलाल चिक्की तो बहुत ज़्यादा है और हम भी मगनलाल चिक्की में ही आए हैं। तो ये एक ब्रांड है, इनके फ्रेंचाइज हर जगह होते हैं मगनलाल चिक्की, विच इज़ वेरी वेरी पिक्यूलर टू लोनावला। और यहाँ पर जब ट्रेन रुकता भी है स्टेशन पे तो लोग चिक्की ज़रूर लेते हैं लोनावला। देखिए कितनी वैरायटी है यहाँ पर प्राइजेस के साथ साथ। यहाँ पे पीनट्स के हैं, फिर तिल के हैं, काला तिल का है विच इज़ समथिंग वेरी हेल्दी। मैंने पूछा कि हेल्थ के हिसाब से गुड़ वाली चिक्की है, ही सेड यस, ये सारी गुड़ वाली चिक्की है, इसमें शुगर नहीं है। ओके, तो इस ऊपर वाली वैरायटी में शुगर नहीं है, सो गुड़ है, तो हम वो वाली लेंगे। ओके, ये सारे जो हैं ये फज हैं, वाइट फज, प्लेन चॉकलेट, चॉकलेट वॉलनट आई थिंक सबसे पॉपुलर है, एंड चॉकलेट आमंड। वैसे ये आपको थोड़ा सा टेस्ट करने को देंगे तो आपको समझ में आएगा आपको क्या लेना चाहिए। सो आई एम टेस्टिंग द चॉकलेट आमंड, सपोज टू बी वेरी पॉपुलर है, इट्स क्वाइट यम्मी, आई थिंक वी विल टेक दिस वन। कितने वैरायटी के यहाँ पे जैम्स हैं, फिर स्क्वॉश है, इससे बहुत अच्छे अच्छे मिल्क शेक्स बन सकते हैं। तो माई डॉटर लाइक स्ट्रॉबेरी, तो मैं उसके लिए स्ट्रॉबेरी लेके जाऊँगी और इसको सिर्फ दूध में मिला के बनाना होता है एंड दे कम आउट रियली वेल। ये ज़्यादातर आई थिंक महाबलेश्वर से बनता है, महाबलेश्वर जो अगेन महाराष्ट्र में है, वेरी क्लोज बाय है, तो महाबलेश्वर से बन के आता है ये सारा। लोनावला में दिस इज वन ऑफ द स्पॉट्स विच यू शुड ट्राई फॉर साउथ इंडियन, उड़पी साउथ इंडियन, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, लाइक द डोसास, द इडलीज, सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट। माय फेवरेट इज इडली। आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मैं दिनेश ठाकुर। आप शक्तिमान कब से देख रहे थे? मैं शक्तिमान बचपन से ही देख रहा हूँ। आप कहाँ के हो? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड की गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है जहाँ गांव का नाम कैलाटन है। वहाँ हमारा गांव में बिजली बहुत कम है, लाइन नहीं है। अच्छा, कुछ सालों से ही लाइन आया है। हाँ, इससे पहले नहीं था, लेकिन हम लोग शक्तिमान बहुत देखने का शौक था और बचपन में हम लोग देखते थे। बिजली नहीं थी तो आप कैसे देखते थे? तो मैम बात ये है कि हम लोग इतने इसके शौकीन थे कि ना होने के कारण हम लोग एक बैटरी खरीद लिए और बैटरी के साथ एक सौर प्लेट भी ले लिया जिसमें दिन भर। आप लोग बैटरी खरीद के देखते थे? यस मैम। शक्तिमान? यस यस। ये पहली बार सुन रही हूँ मैं, आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और अपने कमेंट्स जरूर देना।